इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दमन के शिकार बनने वाले दो हैं, एक प्रकृति और दूसरी स्त्री। दोनों को अपने शोषण से बचाने का दायित्व आजकल स्त्री अपने कंधे पर ले रही है। ये पहचान सचमुच स्त्री विमर्श से ही हुई है। कारण दुनिया को संतुलित बनाने के लिए प्रकृति को बचाना है। पुरुष मेधा समाज या पुरुष सत्तात्मक समाज अपनी एक अलग संस्कृति बना रही है। इस अलग संस्कृति में स्त्री और प्रकृति का कोई स्थान नहीं है। कारण सबसे पहले स्त्री सारी संपत्ति के अधिकारिणी रही थी, लेकिन स्त्री की संपत्ति का सारा अधिकार पुरुष ने तो ले लिया था या एक प्रकार से तो छीन लिया था। इसके बाद प्रकृति पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। तब इन दोनों पर बीज बोने का अधिकार उन्होंने ले लिया था। तब पुरुष अपनी एक संस्कृति तो निर्मित कर रही है। इसकी पहचान सबसे पहले सीमोन द बौर ने अपनी सेकंड सेक्स नामक किताब में तो प्रकट की है, और इसके बाद 1976 में फ्रांस के एक नारीवादी विदुषी थी फ्रांसवा द यूबोन ने सबसे पहले इको फेमिनिज्म की व्याख्या दार्शनिक ढंग से तो की है। तब मैंने पहले ही सूचित किया है स्त्री और प्रकृति सबसे ज्यादा शोषण की शिकार बन रही है, इन्हें बचाना। तब इस दर्शन में, इस विशेष चिंतन में फेमिनिज्म काम करता है, उसके साथ पर्यावरण चिंतन भी काम करता है। इस बैलेंस्ड प्रकृति के निर्माण के लिए या समझ और समाज, समझ मतलब तो इस धरती के अन्य जीव जंतु, समाज मतलब मनुष्य है। तब इन दोनों की बैलेंसिंग तो आजकल तो नष्ट हो गई है, और इसके लिए तो अनेक पारिस्थितिक स्त्रीवादी, मैं तो इस शब्द का ही प्रयोग कर रही हूं, कारण हिंदी में अभी तक और किसी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, इको फेमिनिज्म, और इसके लिए मैं तो पारिस्थितिक स्त्रीवाद कहना चाहूंगी। मैंने ही इस शब्द का प्रयोग किया है मेरी किताब में। और पारिस्थितिक स्त्रीवाद में इन दोनों को या बचाने का जो काम है स्त्रियों के माध्यम से, इस पर विचार किया गया। ये विदेशों में कई स्त्रियों ने, हमारे यहाँ वंदना शिवा ने विदेशी कई दार्शनिकों से मिलकर इस विषय पर विचार किया, लिखा भी है, इको फेमिनिज्म पुस्तक भी लिखा है मेरे मयस से मिलकर। लेकिन इधर इसके बारे में हमें तो सोचना चाहिए, भारत भर की बातों को लेने पर तो हम तो समझ सकते, स्त्री और प्रकृति समान धर्म है। इस समान धर्मिता को रामायण में हमारी वाल्मीकि ने तो दिखाया है, कारण सीता का जन्म धरती से ही हुआ है, या और सीता के जीवन का अधिकांश भाग धरती से मिलकर, वन से मिलकर, प्रकृति से मिलकर सीता ने बिताया था। इसलिए इस पर केंद्रित एक नया उपन्यास हिंदी में निकला है, अनामिका द्वारा लिखते हैं, उसका नाम है तृणधरी ओट, मतलब कैसे स्त्री और प्रकृति समान धर्म है। तब ऐसी स्त्री में सबसे ज्यादा प्रेम, करुणा, अहिंसा तो काम करते हैं। आज इस अशांत संघर्षशील समाज में, दुनिया में इसकी जरूरत है, या अच्छी तरह से हम दो, कारण वाल्मीकि ने तुलसी रामायण नहीं है, वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि की रामायण ये सीता को केंद्र में रखकर
प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने वाली एक स्त्री कैसे या राक्षसों का निर्माण करता है और अन्य आदिवासी लोगों की सृष्टि नए ढंग से कर, वो स्त्री विवेकी स्त्री है यथार्थ में, तो विवेकी स्त्री यही तो कर सकती है, विवेकी होना चाहिए स्त्री को। और देखिए हमारे बीच में भी कितने लोग हैं, महाश्वेता देवी हैं, वो तो इतने तो ख्याति प्राप्त एक लेखिका हैं, अपने अंतिम दिनों तक आदिवासियों के साथ मिलकर वे तो काम कर रही थी। और वंदना शिवा हैं, मेधा पटेकर हैं, अरिंधति रॉय हैं, हमारे केरल में तो सुगत कुमारी जैसे, वे तो कवियत्री रहे थे, फेमिनिस्ट कवियत्री, साथ ही साथ परिस्थिति के लिए तो उन्होंने इतना काम किया था, कारण वे तो पहचानते हैं हमारे देश या हमारे राष्ट्र हमारी दुनिया की जरूरत क्या है। स्त्रियां तो ये पहचानते, वे स्त्रियां दोनों, एक उदाहरण के रूप में मैं तो आपकी परिचित रचना है कामायनी, कामायनी को नए ढंग से मैंने व्याख्यात किया है, मैं तो अभी आपके सम्मुख रखना भी चाहती हूँ। कामायनी की नायिका तो श्रद्धा है, श्रद्धा के माध्यम से आधुनिक संघर्षशील एक पुरुष कैसे बदल गया है। वो मनु आधुनिक नई संस्कृति के निर्माण करने वाला एक पुरुष है, वो तो क्या है, संघर्ष में है हमेशा, उसको उसको समतुल्यता का संदेश श्रद्धा ने ही पढ़ाया था। अंत में आनंद सर्ग में वो कहता है, अब तो मेरे सामने सारे पेड़ पौधे सारे के सारे वो तो दिखाई, वो तो देख रहे हैं, सब में एक ही चेतना को वे देख रहे हैं, कारण पारिस्थितिक चिंतन के मूल में वही है, हम सब में एक ही चेतना काम करती है। मनुष्य क्या समझता है, मनुष्य समझता है हम तो केंद्र में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना जब आ गए हैं हमने तो समझ लिया एक छोटे से वायरस एक बैक्टीरिया कैसे हमारे ऊपर काम करता है, इसलिए हम सब में व्याप्त इस चेतना को परस्पर मानने के लिए हम जब तक तैयार हो जाएंगे या जब तक तैयार नहीं हो जाएंगे, हमारे बीच में असंतुलन भेदभाव, भेदभाव मतलब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, ये तो या अन्य जीव जंतु कहकर इस प्रकार के भेदभाव रहेंगे, इस भेदभाव को दूर करना, एक ही तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन, प्रसाद जी ने कामायनी के आरंभ में ही कहा था, इसकी पूर्ति प्रसाद जी के केंद्र कथापात्र श्रद्धा के माध्यम से तो हुई है। ये सचमुच इको फेमिनिज्म का मूल मंत्र है, जीने दो औरों को जीनो, जीवो और अन्यों को जीने दो, यही है कामायनी का मूल मंत्र।